क्या क्या हुआ कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया मेरे को गोप्रो के साथ और आज बजा रहे सिद्धि विनायक सिग्नल भी लगाना और मेरे बैग में DSLR था 24/7 भीड़ है, दिन में भीड़ है, रात में भीड़ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यू आर वॉचिंग एम राज और आज बजा रहे सिद्धि विनायक और एक पार्क में जा रहे हैं। कुछ फोर्ट भी है, ओल्ड केव है, झरना है, सब देखने जा रहे हैं आज। ओके, तो बी रेडी, लेट्स गो। गाइस 10 रो चुके हैं और ये प्रसाद। सर क्या क्या हुआ कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया मेरे को गोप्रो के साथ और मेरे बैग में DSLR था। अभी मैं एक्सप्लेन तो हुआ ये कि वहाँ पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बोला कि गोप्रो यूज़ कैसे कर रहे हो, मतलब ये कैमरा यूज़ कैसे कर रहे हो। इसलिए हुआ ये कि वहाँ पे जूते रखने वाले बंदे हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई आगे निकल, आगे जाओ, फोटो मत खींच यहाँ से। वहाँ पे जूते रखने वाला था तो वो चिढ़ गया बंदा, वो काम वाम करता होगा, उसने जाके पुलिस वाले बोल दिया भाई ये कैमरा यूज़ कर रहा है। अब वो चिड़िया मेरे से और वो ये बोल रहा है कि क्या यूज़ कर रहा है, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया, बोल रहे कैमरा अलाउ नहीं है, तुम कैसे यूज़ कर रहे हो वगैरह वगैरह, ये चेक रख किया। तो ये तो छोटा कैमरा है गोप्रो। मैंने उनसे बोला मेरे पास तो DSLR भी है, तुम बोलोगे ना कि तुम झूठ बन जाओ, करते या नहीं करते पता नहीं, बट फिर मैंने अपना डिपेंडेंट कार्ड दिखा BSF वाला और फिर वो बोल रहे हैं, फिर उससे मतलब उन्होंने पूरा नोट आउट किया, आधार कार्ड देखा वगैरह वगैरह, फिर बोला रिकॉर्डिंग क्या किया, मैंने सेल्फी लिया, तो बोल रहा है कि क्यों फ़ोन वोन यूज़ करो वगैरह, तो मैंने बोला कि मेरा फ़ोन का फ्रंट कैमरा ख़राब है और मैंने फिर वो शो किया वहाँ पे, तो मेरा फ्रंट कैमरा सच में ख़राब था क्योंकि उसका डिस्प्ले चेंज हुआ था, वो ब्लर हो गया। तो मैंने ऐसा कुछ भी झूठ नहीं बोला, ठीक है, और उसको मेरा सच में मेरा फ्रंट कैमरा ख़राब था और सिर्फ मैंने GoPro से सेल्फी वगैरह ली थी और जहाँ पे अंदर अलाउ नहीं था अंदर में लिया भी। फिर पुलिस वाला मुझे जाके जहाँ पे चेकिंग होती है जहाँ से एंट्री हुई थी उनसे क्लास लेता है कि ये कैसे आ गया बंदा DSLR वगैरह ले गए, और फिर मेरे को बाहर तक गेट तक छोड़ने आया कि भाई मैं यहाँ से छोड़ दूँगा तुम चले जाना कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरा इन्फॉर्मेशन नोट की वहाँ, Thank you.
भाई यह दादर और यहाँ पे भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है पंखे के नीचे भाई, बहुत गर्मी हो रही है भाई। अभी चिल्ड पानी लिया, पूरा बोतल खत्म कर दिया मैंने, अभी चलना है वापस लोकल लेके। यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं, हर चीज़ में भीड़ है, 24/7 भीड़ है, दिन में भीड़ है, रात में भीड़ है, पानी के वहाँ भीड़ है, टिकट के वहाँ भीड़ है, बस में लाइनें लगी पड़ी हैं, ऑटो के जहाँ टैक्सी चाहिए वहाँ पे लाइनें लगी पड़ी हैं, भैंस यहाँ क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। The next day इस वीडियो में अपना रिव्यू शेयर करने वाला हूँ जो मेरा ट्रिप था वो पूरा। सीन तो ये है कि भाई सुबह निकलो फुल मतलब रश में ट्रेन में वगैरह वगैरह, और फिर शाम तक भाई बिल्कुल हालत ख़राब। तुम एक दिन का ट्रिप मारते हो किसी एक प्लेस पे, और वो ट्रिप मारने के बाद शाम को भाई बिल्कुल हालत ख़राब। मैं ट्रेन से आया, फिर फर्स्ट डे घूमने गया, सेकेंड डे घूमने गया, थर्ड डे घूमने गया, ऊपर से दो दो घंटे का ट्रेन का रास्ता, वो भी यहाँ पे लोकल्स में दो दो घंटे का ट्रेन का रास्ता, तो इमेजिन कर सकते हो टफ सिचुएशन है। अभी आने वाली जो लोकल्स होती है उसी का वेट कर रहा हूँ। दो दो घंटे ट्रेन में लोकल्स में सफ़र करते गए तब जाके एक वीडियो बन रही है। और ऑफकोर्स दिल्ली में, दिल्ली छोटा है बट दिल्ली में घूमना वे ईजी है, लोकल सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू मेट्रो, बहुत चीप है। जैसे मैं बिल्कुल एंड स्टेशन गया था तो उसी 20 रुपये लगे थे मेरे, और बट यार बहुत डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू कहीं और जाना। बट बेंगलोर से तो सही है यार, बेंगलोर से बहुत सही लगा मेरे को ट्रैवलिंग में। ये मेरे प्रश्नों से तुम्हारे अलग हो सकते हैं बट सीन ये है कि भाई थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, यहाँ पे भीड़ भी है बहुत ज़्यादा, थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है। पहले अपन आ रहे हैं मार्केट में, और यहाँ पे सिर्फ लड़कियों की चीज़ें मिल रही हैं, लड़कों की कुछ नहीं मिल रही। बहुत भीड़ देख रहे हो, हर तरफ ट्रैफिक भीड़, कोई नई चीज़ तो नहीं है अपने लिए, है ना। मनीष सर, इतने दिनों से मुंबई रह रहे हो, क्या बोलना चाहोगे मुंबई के बारे में, एक्सपीरियंस बताया अपना। भाई मैं रूम से ऑफिस, ऑफिस से रूम, इसके अलावा मुंबई के बारे में कुछ नहीं पता, इतना भीड़ है कि जाने का दिल ही नहीं करता भाई। गाड़ी का रेल और ऑफिस को गर्म दे नहीं। ये कौन बताएगा क्या है और किस किस ने खाया है। दिस कॉल्ड लॉन्ग लता। ऐसे बट ये वो नहीं है। गाइस ये है काला तालाब, यहाँ पे अपन आया चिल मारने के लिए। तीन चार दिन से लगातार अपन कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, समझ रहे बात को। तीन चार दिन से लगातार फर्स्ट डे ट्रेन से आया, सेकंड डे कहीं और गए, थर्ड डे कहीं और गए, फिर ऐसे ही कहीं और गए। तो आज अपने रिलैक्स किया है, चिल मारा है, सोया है, ऐसा लग रहा भाई बहुत दर्द में थे और वो दर्द निकल रही है बॉडी से, है मनीष। और हमने मज़े किए, जलेबी खाई, लॉन्ग तक खाया और पकौड़े खाए, क्या बोलते हैं उसको, भजिया, भजिया बोलते हैं ना, पकौड़े खाए, पकौड़े थोड़े सूखे थे, बाकी सब थोड़े मीठे थे। और इसके बाद अपन ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाएंगे, और ये सिनेरियो था, ये ऐसी था कि थोड़ा चिल भाई, रोज़ भाग रहे थे, यहाँ जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, इसके बाद अपने को जाना है दिल्ली। एक ट्रिप और थी यहाँ से गुजरात जाने की, पर गुजरात की ट्रिप स्पेशल करेंगे, अलग से करेंगे,
क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। बंदे भी अपने सब्सक्राइबर भी हैं, उनसे भी मिलना है। कुछ बंदे हैं जहरीले, तो उनसे पहले बात करूँगा। जैसे दिल्ली वाले थे, रोहन बोल रहा है मेरे एग्ज़ाम है, बल्कि ये मुंबई वाले जब पहले मिलने को बोल रहे थे आजा आजा, जब आया तो भाई एग्ज़ाम है, ये वो है। तो भाई हो गया ट्रिप कंप्लीट। होप आपको जो भी ये 5 व्लॉग्स आए वो उसमें मज़ा आया होगा। और भाई बहुत मेहनत लगी है, बहुत मतलब ये भी मेरे साथ बहुत घूमा भाई। जो मंदिर वाली व्लॉग था, जो थर्ड व्लॉग था, उसमें खतरनाक ही था भाई। मतलब जो ट्रिप थी हमारी, मतलब पूरा ना ऐसा होता है कि अच्छा प्रेशर, स्ट्रेस, गर्मी, चिपचिपी गर्मी, खड़े होना, बॉडी स्ट्रेस सब था उसके अंदर। बट अभी वापस जा रहे हैं दिल्ली, लाइव स्ट्रीम शुरू होगी, हो चुकी है लाइव। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, ऐसे ही सीरीज आने वाली है, बड़ा चेंजेस होने वाला है और वो सरप्राइज जल्द तुम्हारे सामने आएगा। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जो सीरीज थी मुंबई की, ये एंडिंग था। मुझे और भी लोकेशन पे जाना था, डिफरेंट लोकेशन पे, बट मैं वहाँ पे नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी और मेरे उस दिन हालत ख़राब हो गई। तो फिर मैं अपने दोस्त के पास गया, वहाँ पे रिलैक्स किया, चिल मारा। फिर जब धूप ख़त्म हो गई शाम को, वापस अपन आए घर पे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी और उसके नेक्स्ट डे भी बहुत गर्मी थी। और फिर मैं ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आए, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी। और उसमें वो धूप में जाके घूमना हर दिन, जैसे लास्ट व्लॉग में देखा आपने, बहुत चला, मैं हालत खराब हो गई थी। तो फिर भी मैंने कोशिश किया कि व्लॉग बनाने को, इतनी धूप, पसीने पोंछ रहे हैं व्लॉग वीडियो बना रहे हैं, पसीने पोंछ रहे हैं वीडियो बना रहे हैं। और आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो और ये सीरीज मुंबई की। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में जाता रहूँगा और वीडियोस बनाता रहूँगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। अभी एक चैलेंज ले रखा है मैंने 30 डेज़ का, 30 व्लॉग, और मे बी कम्प्लीट कर पाऊँ, मे बी नॉट, बट सपोर्ट करोगे तो मे बी कम्प्लीट कर पाऊँ और स्टेप आगे लूँ और कुछ अच्छे व्लॉग्स दूँ। 30 डेज़ का मैं चैनल रख, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मजा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।